हाय, आज मैं फिर से एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। बंगाली रेसिपी है, बहुत फेमस है बंगाल में। ये मुर्गीर लाल झोल तो चिकन लवर के लिए है, बहुत सिंपल और इजी होता है। और मैं मेरे तरीके से बनाऊँगी, सिंपल और इजी तरीके से बनाऊँगी। तो चलो मेरे किचन पे और मैं बनाऊँगी आज मुर्गीर लाल झोल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाली रेसिपी, जो है मुर्गीर लाल झोल, आलू वाला। आलू के साथ बनाऊंगी, आलू के साथ बनाते हैं। आलू के बड़े बड़े साइज के टुकड़ा ले लेते हैं। आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हो, पर बड़ा बड़ा ही बहुत अच्छा लगता है। तो चिकन को सबसे पहले मैं मैरिनेट कर लूंगी। ये मैं 1 किलो चिकन ले लिया, धो के साफ कर लिया। इसको सबसे पहले मैं मैरिनेट करूंगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डालूंगी, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मस्टर्ड ऑयल से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अभी मिक्स करूंगी हाथ से, चिकन के पीसेस को कोट करूंगी सारे मसाले से। तो मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसको ढक के रखूंगी, 10 मिनट मैरिनेट होने दूंगी। तो जब तक चिकन मेरा मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं आलू को भी फ्राई कर लूंगी। तो 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल डाला मैंने और खूब अच्छे से फुल फ्लेम पे गरम कर लिया। मस्टर्ड ऑयल की एक बहुत स्ट्रांग फ्लेवर रहता है, उसको बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम करना पड़ता है तो फ्लेवर भी चला जाता है और ऑयल भी लाइट हो जाता है। आपको अगर मस्टर्ड ऑयल की फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप दूसरे ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो आलू को फ्राई करूँगी सबसे पहले। 1 चुटकी नमक डालूंगी आलू के ऊपर फ्राई करने के लिए और अच्छे से फ्राई करूंगी। आलू फ्राई हो चुका है, फुल फ्लेम पे आलू को फ्राई किया। आलू की क्वांटिटी आप तय कर लेना, कम या ज्यादा डालना है। मैं तो ज्यादा डालती हूँ भर भर के, क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है। तो सेम ऑयल पे मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्ची। सब फ्राई होते मैं इसमें डालूंगी मीडियम साइज के 2 ऑनियन को पतला पतला काट करके और फ्राई करूंगी। 6-7 मिनट तक फ्राई किया, ऑनियन के कलर जैसे चेंज हो गया। अब मैं उसमें डालूंगी मैरिनेटेड चिकन को। चिकन डालने के बाद मिक्स करूंगी अच्छे से फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करूंगी अच्छे से चिकन को। जब तक मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, तब तक मैं चिकन के लिए एक मसाला बनाऊंगी। एक मिक्सर जार में 1 टमाटर ले लूंगी, 1 प्याज ले लूंगी, 5 कश्मीरी रेड चिली, 1 इंच के 2 टुकड़े अदरक और 8-10 कली लहसुन की। और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा और इन सब का मैं फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन गया है फाइन पेस्ट। जीरा जो मैंने डाला ऊपर से, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मुर्गी लाल झोल में। अभी मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाले को अच्छे से मिक्स करूंगी। चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर के नमक डालूंगी। ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हल्दी को, नमक और मसाले को अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी, अच्छे से भूनूंगी। अभी पूरा मसाला, वो जो पानी निकल आएगा चिकन से, इससे चिकन बॉयल भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो फ्राई हो चुका है मसाला अच्छे से भून लिया मैंने मसाले को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, और ये लाल झोल में चीनी भी ऐड होता है। जब हम ऑयल गरम करते हैं, ऑयल में 1 चुटकी चीनी डाला जाता है, तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने स्किप किया है। ऐसे ही मीठा आ जाता है प्याज से, तो वो चीनी थोड़ा ऑयल में भून लेते हैं तो कलर भी बढ़िया आता है लाल झोल की, इसलिए चीनी ऐड किया जाता है। 2 चम्मच दही ऐड किया मैंने। अब
जो मैं फ्राई करके रखी हुई आलू वो ऐड कर दूंगी। और 2 मिनट भूनूंगी अच्छे से। भून लिया अच्छे से, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये झोल बनेगा तो खूब सारा गर्म पानी मैंने 1 लीटर के ऊपर गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया। बंगाली में पतला ग्रेवी को झोल बोलते हैं, थिक ग्रेवी जो होता है उसको डालना बोलते हैं। तो ये झोल बनेगा पतला ग्रेवी। तो अभी मीडियम फ्लेम पे मैं ढक के पकाऊंगी इसको 10 मिनट। तो चिकन और आलू अच्छे से बॉयल हो जाएगा ग्रेवी में। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाया मैंने अच्छे से। आलू भी बॉयल हो चुका है, चिकन भी बॉयल हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर और मिक्स करूंगी। अब मैं डालूंगी ग्रीन चिली साबुत, बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है इसमें ग्रीन चिली झोल में। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। 2 मिनट पकने दूंगी, ग्रीन चिली की भी फ्लेवर आ जाएगा झोल में अच्छे से। बन गया है मेरा लाल झोल। अब मैं गैस बंद करूंगी और प्लेटिंग करूंगी। बहुत अच्छा खुशबू निकल आया है, मुंह में पानी आ गया है आलू देख के खास करके मुझे। तो धनिया पत्ता से मैंने गार्निशिंग कर दिया और ये बन गया है लाल झोल। झोल मतलब पतला ग्रेवी, मैंने बताया पहले ही। तो आप लोग इतने सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाया है, ऐसे ही बनाओ। कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, थोड़ा सा ही मसाला से बन जाता है। तो बना के खाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना और गरम गरम राइस के साथ सर्व करो। खूब खाओ और मुझे कमेंट में बताओ। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।